नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर हमें त्याग देना चाहिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत ही कुछ दिखा जाता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। दोस्तों, जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता। दोस्तों, खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके साथ असफलता और पछतावा ही हाथ लगता है। दोस्तों, सूरज हर शाम ढल ही जाता है। दोस्तों, पतझड़ वसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुताबिक आप कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण नीति बनाएंगे। आपके द्वारा किया गया कार्य तारीफ के काबिल रहेंगे। कामकाज में व्यवस्था के अलावा भी परिवार व फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती व फिर मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपके सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय कानूनी अथवा सरकारी मामलों में लापरवाही ना करें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, यश में महत्वपूर्ण संबंधी जो भी कार्य हैं उन्हें पहले करें। यश में अपने संबंधियों से किसी प्रकार की सहयोग की उम्मीद भी आप ना करें, वरना ये उम्मीद आपका गलत हो सकता है। बल्कि दोस्तों, आप अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें और अपने कार्यों को हल निकालने का प्रयास करें, आप अवश्य ही हल निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में पैसे से संबंधित किए हुए व्यवहार की वजह से किसी व्यक्ति के प्रति गलतफहमी भी बढ़ सकती है। व्यक्ति के साथ ठीक से संवाद बनाने के बाद आपको जो है असलियत का पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, जो भी मन में आपके नकारात्मक भावनाएं आ रही है दोस्तों, उनको ठीक से प्रकट करने की कोशिश करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आप अधिकतर समय घर में ही व्यतीत करना पसंद करेंगे या फिर घर में व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, तथा दोस्तों घर का साफ सफाई अथवा सुधार संबंधी कार्यों में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। अपने परिजनों के साथ मिल बैठकर अनुभव साझा करना आपको इसमें खुशी देगा। विद्यार्थियों को किसी विभाग या फिर नौकरी संबंधी परीक्षा में सफलता भी मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा दोस्तों आपको इन बातों का आहत भी मिल सकता है, इन बातों का सजा भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि दोस्तों अनुभव की कमी से कार्य अधूरे रह सकते हैं, तो इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक की हुई मेहनत का फल प्राप्त होने का समय आया है। इसलिए दोस्तों, आपके द्वारा लिए गए प्रयत्न पर विश्वास रखकर परिस्थिति के लिए थोड़ा सा संयम दिखाना भी आपके लिए आवश्यक होगा। नए काम की शुरुआत करते समय हड़बड़ी ना करें, आपको आखिरी वक्त पर कुछ निर्णय बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों ज्ञानवर्धक समय होगा। नई नई बातों की जानकारियां आपको इसमें प्राप्त होंगी। कोशिश करने पर मन चाहे कार्य भी समय पर पूरे हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आपकी संवेदनशीलता घर परिवार की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगी।
दोस्तों बच्चे भी आपकी काबिलियत को लेकर फख्र महसूस करेंगे। दोस्तों यह समय सामाजिक और फिर राजनीतिक गतिविधियों से कुछ दूरी बनाकर रखें, किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। व्यर्थ की उलझनों में पड़कर अपना समय को इसमें बर्बाद ना करें। कुल मिलाकर कहें तो जो समय होंगे आपके लिए सामान्य परिणाम देने वाला समय होगा। इसको प्रांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दूसरे लोगों के विचारों पर ध्यान देने की वजह से आपकी एकाग्रता भंग हो रही है। इसलिए दोस्तों अपने काम से संबंधित अधिक चर्चा ना करें। बहुत सारे लोगों से सुझाव लेना भी आपके लिए इसमें नुकसान का कारण हो सकता है। परिवार के व्यक्तियों के साथ ठीक से संवाद बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय बहुत ही अनुकूल समय है। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपने व्यवहार कुशलता द्वारा सभी कार्यों को उचित समय पर पूरा भी कर पाएंगे और उनमें सफलता भी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। कोई राजकीय कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण होगा। जो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि कभी कभी घर के सदस्यों के बीच वैचारिक विरोध होने से आपके काम में गतिरोध आ सकता है। किसी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले बहुत अधिक सोच विचार तथा जांच पड़ताल कर लेना आपके लिए यश में बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों यश में इन पर ध्यान रखें, अपनी काबिलियत पर ही विश्वास रखें। ये आपके लिए यश में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी जिम्मेदारी के लिए कौन सा व्यक्ति ठीक रहेगा, इस बात का निर्णय लेना आपके लिए यश में अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों किसी भी परिस्थिति में नेतृत्व अपने हाथ में रख पाना आपके लिए यश में आसान होगा। ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें ऐसे बात का अनुभव आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में आपकी लापरवाही व पूर्वाधरता आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में उचित लाभ मिलने की संभावना बन रही है। सिरस अथवा तेजी मंदी जैसे कार्यों में जो भी ताल्लुक रखते हैं, वो लोग यश में सावधान हैं या फिर सावधानी से कार्य करें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नेटवर्किंग तथा सेल्स संबंधी कार्यों में लोगों को अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकारी कार्यों में विशेष रूप से सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि से संबंधित कोई भी झंझट खड़ा हो सकता है, तो दोस्तों अपने हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ये आपके करियर के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अधिक मेहनत को लेकर कठिन काम को पूरा करने पर भी आप ध्यान दें। दोस्तों ये भी आपके करियर के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। व्यापारिक गतिविधियां संबंधी नए निर्णय भी आपके सामने आ सकते हैं और ये निर्णय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यापारिक गतिविधियां संबंधी लिए गए निर्णय में शुरुआती में कुछ दिक्कतें व फिर परेशानियां आएंगी, जिनकी वजह से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी में आपके जो भी कार्य है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। नौकरी में आपकी उचित कार्य क्षमता की वजह से बोनस भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में विस्तार की कोई भी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है। किसी भी तकनीक आदि के प्रयोग संबंधी कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श भी यश में होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में ऑफिस का माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे। कोई नई उपलब्धि भी यश में आपको हासिल हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि करियर से संबंधित बातों में आपको आसानी से प्रगति भी प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में किसी के द्वारा मिला प्रपोजल आपको उलझन में डाल सकता है। तो दोस्तों इन बातों पर यश में आपको गौर करना चाहिए। पति पत्नी आपसी समंजस द्वारा घर की किसी समस्या का हल भी निकालने में समर्थ रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलत फहमी से खटास उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ करीब जो समझोगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पति पत्नी के बीच किसी बात पर खट्टी मीठी नोक झोंक भी होंगी, परंतु संबंध मधुर बने रहेंगे। पारिवारिक वातावरण भी यश में खुशनुमा रहेगा। दोस्तों मानसिक रूप से पार्टनर से बने जो दूरियां हैं यश में खत्म होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि विपरीत परिस्थिति में आपको जीवन साथी व फिर परिवारजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंगों में निराशा का मुंह देखना भी यश में आपको पड़ सकता है, तो दोस्तों यश में इनसे आप सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, परंतु घर की व्यवस्था में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी सेहत की,
तो दोस्तों यह समय पुराना रोग दोबारा उभर सकता है और यह आपको परेशान कर सकता है। अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप अवश्य करवाएं तथा उचित इलाज लें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ही बेहतर साबित होंगे। कमर से संबंधित तकलीफ का सामना भी यश में आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि तनाव तथा चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी रहेगी। योगा और मेडिटेशन करना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, आपके समस्या का उचित इलाज होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव तो दिखेगा, थोड़ी सी सावधानी और मौसम से अपना बचाव करें, ये आपको स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।